अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज 18 फरवरी 2022 है और सुबह के इस टाइम तकरीबन 12:45 हो रहे हैं और सामने आपको एक बहुत ही खूबसूरत क्यूट सी विंटेज लुक अब्दुल हकीम रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग नज़र आ रही है। तो अभी मैं आपको अब्दुल हकीम रेलवे स्टेशन के अंदर लेकर चलता हूँ, आपको स्टेशन दिखाता हूँ, प्लेटफॉर्म्स देखते हैं, रेलवे ट्रैक्स देखते हैं और देखते हैं हमें आज यहाँ पे कौन कौन सी ट्रेन्स मिलती हैं, तो मेरे साथ रहिएगा। चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं अब्दुल हकीम रेलवे स्टेशन के और अंदर से इस बिल्डिंग को सही से देखते हैं। काफ़ी सुनसान नज़र आ रही है स्टेशन की बिल्डिंग या मुसाफिर खाना और अंदर से आप लुक देख सकते हैं, ये विंटेज से बेंचेस लगे हुए हैं और वो सामने अल सफ़ा रेलवे कैंटीन नज़र आ रही है एबंडेंट हालत में, इसका मेरा ख्याल अभी ठेका नहीं लिया किसी ने। और वो सामने आपको टिकट घर नज़र आ रहा है, किराए नामे नज़र आ रहे हैं, तो इसको भी देख लें, क्या पता ज़िंदगी में कभी ना कभी आपके काम आ जाए। और जिन ट्रेन्स का यहाँ पे स्टॉपेज होता है उसके भी नाम आपको नज़र आ रहे हैं, पाकिस्तान एक्सप्रेस, मिल्लत एक्सप्रेस, सांदल एक्सप्रेस जो कि मुल्तान से सरगोधा चलती थी फ़िलहाल सस्पेंड है, और फैसलाबाद एक्सप्रेस ये भी बंद है। काफ़ी सुनसान रेलवे स्टेशन जो है अभी वो व्यू पेश कर रहा है क्योंकि अभी किसी ट्रेन का टाइम नहीं हुआ। तो चलिए प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। तो दोस्तों इस वक्त मैं आपको अब्दुल हकीम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे ले आया हूँ और आप देख रहे हैं कि काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, विंटेज सी है, काम शाम कोई हुआ नहीं हुआ इस पर, छोटा सा शहर है और छोटा सा रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे आपको 3 रेलवे ट्रैक्स नज़र आ रहे हैं। इनमें से जो ये वाला ट्रैक है ये है अब्दुल हकीम रेलवे स्टेशन की लूप लाइन और जो वो वाला ट्रैक है वो है मेन खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन और जो वो देख रहे हैं वो भी एक लूप लाइन है। तो अब्दुल हकीम रेलवे स्टेशन के ऊपर 2 लूप लाइन और 1 मेन लाइन मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। ये सामने आपको ऑफिसेज नज़र आ रहे हैं अब्दुल हकीम रेलवे स्टेशन के, इंतज़ारगाह, दर्जा, अपर क्लास और सामने ASM साहब यानी कि स्टेशन मास्टर साहब का ऑफिस भी नज़र आ रहा है आपको, ये आप देख सकते हैं। चल के देखते हैं। तो ये अब्दुल हकीम रेलवे स्टेशन की जो करंट मेन एंट्रेंस है वो नज़र आ रही है आपको, काफ़ी खूबसूरत जालियों से सजाई हुई है। जो पहले मैं आपको मेन एंट्रेंस से लेके आया था वो मेरा ख्याल आजकल सस्पेंड की हुई है, तो ये जो मेन एंट्रेंस है वो यूज़ हो रही है। ये देखें मैं बाहर आ गया, तो जो स्टेशन बिल्डिंग उधर से मैं आपको लेकर गया था और जो ये है ये आजकल मेन एंट्रेंस के तौर पे यूज़ हो रही है इस रेलवे स्टेशन के ऊपर और ये काफ़ी ज़बरदस्त डेकोरेट की हुई है। शेड नज़र आ रहा है आपको जहाँ पे मुसाफिर इंतज़ार करते हैं अपनी अपनी ट्रेन्स का अब्दुल हकीम रेलवे स्टेशन के ऊपर। और अभी मैं आपको लेकर चल रहा हूँ स्टेशन की जो है वो अप साइड एंड पे। दोस्तों अब्दुल हकीम रेलवे स्टेशन की आपको एक मस्जिद नज़र आ रही है, काफ़ी बड़ी और अच्छी मस्जिद है इस स्टेशन के ऊपर, ये आप देख सकते हैं। और ये भाई साहब भी किन ख्यालों में गुम है। और एक अदद वाशरूम वगैरह भी मौजूद है यहाँ पे।
ये आप देख सकते हैं। वॉशरूम भी की सहूलत भी मौजूद है और मस्जिद की सहूलत भी मौजूद है इस रेलवे स्टेशन पे, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। ले जी, पानी की सहूलत भी नज़र आ रही है अब्दुल हकीम रेलवे स्टेशन के ऊपर आपको। काफ़ी फ्रेश पानी है, पीने के काबिल है, ठंडा है, तो आप इस स्टेशन पे जो है वो पानी की सहूलत भी यूज़ कर सकते हैं, तो क्या पता ये भी ज़िंदगी में कभी काम आ जाए आपके। और प्लांटेशन भी काफ़ी अच्छी हुई हुई है यहाँ। अच्छा, अब मैं आपको लेकर जा रहा हूँ इस टाइम अब्दुल हकीम रेलवे स्टेशन के अप साइड एंड पे। तो जो सामने आपको ये जो लाइन जाती नज़र आ रही है, ये जा रही है सीधा फैसलाबाद और वज़ीराबाद की तरफ, यानी कि अप साइड पे। और जो ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये जा रही है सीधा खानेवाल जंक्शन, मुल्तान, कैंट, कॉर्ड लाइन और सीधा कराची। तो ये डाउन साइड एंड है, और जो ये है अप साइड एंड है। माशाल्लाह से एक बात माननी पड़ेगी कि हमारे जितने भी छोटे मोटे रेलवे स्टेशंस हैं बड़े रेलवे स्टेशंस की निस्बत, उनके स्टेशन मास्टर्स ने उनको बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट किया होता है। मैंने तो अभी तक जितने रेलवे स्टेशंस एक्सप्लोर किए हैं छोटे छोटे एबंडेंट, उन सब पे आपको मैंने दिखाई है प्लांटेशन, मुख्तलिफ किस्म के दरख्तों ने उनको घेरा होता है और काफ़ी अच्छी खूबसूरत व्यू जो है वो बनाया होता है। तो ये हमारे जो स्टेशन मास्टर्स हैं उनको मैं अप्रिशिएट करूँगा कि वो अपने अपने रेलवे स्टेशंस के लिए जो है वो सोचते हैं। अच्छा, ये मैं देख रहा था दूर से पानी भरने की सहूलत भी यहाँ पे, ये जो आपको जंक्शन स्टेशंस के ऊपर नज़र आता है जिसमें डब्बों वगैरह में पानी भरते हैं, तो इधर भी लगा हुआ है। अब इसका मुझे नहीं मकसद समझ आ रहा, ये एक जंक्शन स्टेशन तो है नहीं, तो इसका क्या मकसद है? शायद लोकोमोटिव में पानी वगैरह भरने के लिए इसको स्पेशल तौर पे पहले से बनाया गया हो या अभी बनाया गया हो, तो आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग लाजमी बताइएगा। बहुत ही खूबसूरत आम का दरख्त नज़र आ रहा है आपको, तो इसका मतलब हमें गर्मियों में आना चाहिए था अब्दुल हकीम रेलवे स्टेशन पर आम खाने के लिए। और एक नलका भी नज़र आ रहा है आपको, और मैं पहुंच चुका हूं उस टाइम अब्दुल हकीम रेलवे स्टेशन के अप साइड एंड पे, यानी कि फैसलाबाद वज़ीराबाद वाले एंड पे। साइन बोर्ड बहुत ही खूबसूरत अब्दुल हकीम रेलवे स्टेशन का नज़र आ रहा है आपको अप साइड एंड का। अच्छा दोस्तों, एक और बात आप सबको बता दूं कि जो अब्दुल हकीम रेलवे स्टेशन है वो खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन का चौथा रेलवे स्टेशन है। इससे पहले कई छोटे छोटे रेलवे स्टेशन आते हैं, लेकिन जो बड़ा स्टेशन है वो खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन का पहला, जिस पे ट्रेन के स्टॉपेजेस भी होते हैं, वो अब्दुल हकीम रेलवे स्टेशन है। तो मैं इस वक्त प्लेटफॉर्म से नीचे आ गया हूँ, और आपको ये रेलवे लाइन नज़र आ रही है जो कि जा रही है सीधा इस क्वार्टर में। ये क्या चीज़ है? ट्रॉली। अच्छा, रेलवे की जो सामान शिफ्ट करने के लिए जो ट्रॉली यूज़ होती है वो, उसका ये कैबिन है, उसका ये घर है। ये मैं बिल्कुल एंड पे आ गया। माशाल्लाह, बड़ा ही खूबसूरत व्यू आ रहा है यहाँ से। मेन खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन के ट्रैक के ऊपर मौजूद हूँ मैं, जहाँ से पाकिस्तान की जंबो ट्रेन गुजरती हैं, शाह हुसैन एक्सप्रेस, सर सैयद एक्सप्रेस, कराकरम एक्सप्रेस, पाकिस्तान एक्सप्रेस, मिल्लत एक्सप्रेस। ये बहुत ही बहुत खूबसूरत नज़ारा यहाँ से नज़र आ रहा है अब्दुल हकीम रेलवे स्टेशन का। अच्छा दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि अब्दुल हकीम स्टेशन पे दो लूप लाइन है और एक मेन लाइन है, और यहाँ पे एक मुझे साइडिंग लाइन भी नज़र आ रही है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल अबेंडेंट है, झाड़ियों में छुपी हुई है। और इसके अलावा एक ये साइडिंग लाइन है, और उसके अलावा एक वो भी साइडिंग लाइन नज़र आ रही है, उसको भी चल के देखते हैं। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ही तबाहकुन हालत में, और कुछ ये स्लैबें भी पड़ी हुई हैं यहाँ पे, तो ये आप देख सकते हैं ये ट्रैक तो बिल्कुल ही ख़त्म हुआ पड़ा है। और उसके बाद जो ये चीज़ है, ये वाली साइडिंग लाइन, ये साइडिंग लाइन भी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं।
तो चलें अब डाउन साइड एंड के ऊपर चलते हैं अब्दुल हकीम रेलवे स्टेशन पे, इसी रास्ते से चलते हैं और डाउन साइड एंड भी दिखाते हैं आपको। अभी मैं फ्रंट साइड से आपको अब्दुल हकीम रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग दिखा रहा हूँ, छोटी सी बिल्डिंग लेकिन क्यूट सी बिल्डिंग देख सकते हैं आप। दोस्तों अब्दुल हकीम रेलवे स्टेशन पे डाउन साइड एंड के ऊपर मैं आ गया हूँ, तो अभी डाउन साइड एंड भी आपको मैं स्टेशन का दिखा देता हूँ। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अब्दुल हकीम का पुराना रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन पता नहीं है भी कि नहीं है, अभी बोल रहा हूँ मैं, ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये भी आपको दिखा देते हैं। कोई रेलवे का शायद गोदाम वगैरह है, एबंडेंट पड़ा है, कुछ भी नहीं है, लेकिन चलें अब आए हैं तो देख लेते हैं, फिर पता नहीं कब आना है। अरे वाह दोस्तों, मुर्गियों का बसेरा है यहाँ पे रेलवे के गोदाम में, रेल फैन मुर्गी और रेल फैन मुर्गी की बच्चियाँ यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों दफ्तर गोदाम ये लिखा हुआ है रेलवे का, लेकिन ये गोदाम अबैंडेंड है और इसके अंदर लोगों ने अपने जानवर मुर्गियाँ वगैरह बांधी हुई हैं जो के डर के भाग गई हैं, अब हमें चलना चाहिए। तो अभी से कुछ ही देर में कराची और लाहौर के दरमियान बजरिया फैसलाबाद चलने वाली 43 अब शाहुसैन एक्सप्रेस पहुंच रही है, और उसके बाद आ रही है कराची और रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली 35 अब सर सैयद एक्सप्रेस। तो पहले 43 अब सर शाहुसैन एक्सप्रेस को कैप्चर करते हैं और उसके बाद 35 अब सर सैयद एक्सप्रेस को कैप्चर करते हैं। अब्दुल हकीम डाउन साइड एंड वाला प्लेटफॉर्म भी, यहाँ पे एक जामुन का दरख्त लगा हुआ है और यहाँ पे चिड़िया के घोंसले हैं, ये नज़र आ रही है चिड़िया आपको, परिंदों की आवाज़ें भी आ रही हैं, और यहाँ पे भी जो प्लांटेशन वगैरह है वो हुई हुई है स्टेशन मास्टर की जानिब से, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो स्टोर और बत्ती गोदाम नज़र आ रहा है आपको अब्दुल हकीम रेलवे स्टेशन का, ये वाला जो है वो बत्ती गोदाम है और ये वाला स्टोर है, ताला लगा हुआ है दोनों पे। तो चलिए दोस्तों इस बेंच पे बैठते हैं और अपनी पहली ट्रेन शाहुसैन एक्सप्रेस का इंतज़ार करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। दोस्तों 12:35 हो रहे हैं और 43 अब शाहुसैन एक्सप्रेस AG30 के साथ एंट्री मार रही है अब्दुल हकीम रेलवे स्टेशन पे, 2.5 घंटे लेट चल रही है अपने वक्त से। वाह 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 वाह, ज़बरदस्त, कमाल की स्पीड से पास हुई है 43 अब शाहुसैन एक्सप्रेस अब्दुल हकीम रेलवे स्टेशन से, द क्वीन ऑफ खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन।
दोस्तों मैं आपने अब्दुल हकीम रेलवे स्टेशन की वीडियो देख ली है, अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ अब्दुल हकीम और शोरकोट छावनी जंक्शन के दरमियान में दरियाए रावी के पुल पे, दरियाए रावी रेलवे ब्रिज पे। तो वहाँ से हम कोई ट्रेन कैप्चर करेंगे और आपको वो भी दिखाते हैं, तो मेरे साथ रहिएगा। तो चलिए अब हम अपनी फरारी पे सफ़र का आगाज करते हैं। दोस्तों दरियाए रावी के पुल पे ले आया हूँ मैं आपको खानेवाल वजीराबाद ब्रांच लाइन नज़र आ रही है आपको, अभी चलते हैं दरिया के पुल पे। वो सामने आपको इनिशियल विजिबिलिटी नज़र आ गई है, रावी रिवर ब्रिज। अभी यहाँ से भी हम 35 ऑफ सर सैयद एक्सप्रेस को कैप्चर करेंगे, तो चलिए चलते हैं। दोस्तों दरियाए रावी के ऊपर बना हुआ रेलवे ब्रिज है, उसके ऊपर मैं लेकर आया हूँ आपको। तो आपने अक्सर औकात ट्रैवल करते हुए शोरकोट छावनी जंक्शन, अगर आप फैसलाबाद से आ रहे हैं तो उसके बाद और अब्दुल हकीम रेलवे स्टेशन के बाद आपकी ट्रेन लाजमी इस दरिया के पुल के ऊपर से गुजरी होगी। तो मैं अब्दुल हकीम आया हुआ था, तो सोचा आपको रावी रिवर ब्रिज है जो, इसको भी दिखा दूँ। तो चलिए इस ब्रिज के अंदर चल के भी देखते हैं इसको। काफ़ी मजबूती से झेलम रेलवे ब्रिज फैक्ट्री में इसको तैयार किया गया। चलिए अब सावधानी बरतते हुए अंदर चलते हैं। भाई यार जा सकते हैं ना जवाद इसमें? दोस्तों ये मेरे जवाद भाई अब्दुल हकीम से जो आज मुझे यहाँ पे लेके आए हैं। सर बहुत प्यारा आपका रेलवे ब्रिज है, आपका शहर भी है, बड़ा मज़ा आया। तो चलिए अभी चलते हैं अंदर, तो जा सकते हैं ना? ये अजी दरियाए रावी और उसके ऊपर बना हुआ रेलवे ब्रिज, रावी रिवर ब्रिज कहते हैं उसको। वो सामने आपको दरियाए रावी नज़र आ रहा है और इसके पुल के दरमियान में हम चलते हुए जा रहे हैं। दोस्तों इस वक्त टाइम हो रहा है 1:20 और 35 अब सर सैयद एक्सप्रेस रावी रिवर ब्रिज से पास हो रही है, इसका एक्शन दिखाते हैं आपको। वाह, 106 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पास हुई है 35 अब सर सैयद एक्सप्रेस रावी रिवर ब्रिज से। अच्छा दोस्तों आपको रावी रिवर ब्रिज का बता दूं कि अब्दुल हकीम रेलवे स्टेशन से ये तकरीबन 2-3 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है और झेलम ब्रिज फैक्ट्री में इसको तैयार किया हुआ है। इतना कोई मजबूत पुल नहीं है, सिंगल लाइन है, खानेवाल वजीराबाद ब्रांच लाइन का जो खानेवाल के बाद पहला दरिया का पुल आता है वो ये वाला है, और इसके बाद वजीराबाद के बाद अलेक्जेंड्रा ब्रिज ही है सिंगल लाइन वाला। तो आप ये देख सकते हैं।
दोस्तों मैं आपको सेंटर में ले आया हूँ ब्रिज के, खड़े होने के लिए अच्छी लोकेशन है फोटोग्राफी वगैरह के लिए भी। ये आपको नज़र आ रहा है दरियाए रावी, सूखा पड़ा है। मैं इस वक्त इधर मौजूद हूँ। 2014 दोस्तों, 2014 की तमीर शुदा है ये रेलवे पुल, यानी कि 2014 के अंदर इसको बनाया गया था। और CNG 2021, इसका मुझे नहीं पता क्या इस लिखा हुआ है, शायद वैलिड है ये 2021 तक। और इस हिसाब से ये पुल अगर देखा जाए तो एक्सपायर हो चुका है, अगर इस लिहाज से देखा जाए तो। ये मेरे भी एक भाई रेलवे ब्रिज से अपने साइकिल को पास कर रहे हैं बड़ी महारत से, ये भी आप देख सकते हैं। तो आज मैंने आपको अब्दुल हकीम रेलवे स्टेशन की वीडियो दिखाई, और मैंने आपको दरियाए रावी के ऊपर बना हुआ रेलवे का पुल दिखाया और उस पर रेल फैनिंग दिखाई। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। आपसे मुलाकात होती है आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। चलें जवाब भाई, चलें।